रंजन दीक्षित। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 11 बजे नामांकन शुरू हो चुका है। इस बार कोविड के संक्रमण को देखते हुए प्रत्याशी अपना पर्चा ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं, जिसके लिए आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन नॉमिनेशन दाखिल करना होगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत तमाम प्रत्याशी यहाँ नामांकन के लिए पहुंचेंगे और आप देखेंगे इधर तो पुलिस के जो जवान हैं वो भी मुस्तैद हो गए हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही यहाँ नामांकन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सभी जो भी प्रत्याशी यहाँ नामांकन के लिए आएंगे उनको ये कहा गया है कि पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और जो प्रस्तावक हैं वो दो प्रस्तावक ही अंदर जा सकेंगे, ये व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा नामांकन के लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया भी रखी गई है। कोई प्रत्याशी यदि ऑनलाइन प्रक्रिया नामांकन ही करना चाहता है तो वो ऑनलाइन के माध्यम से भी नामांकन कर सकता है। उसके साथ साथ ही आप देखेंगे तो ये मसूरी विधानसभा क्षेत्र का नामांकन एरिया है, यहाँ पर मसूरी क्षेत्र के लिए नामांकन किए जाएंगे। हालांकि अभी आज पहला दिन है नामांकन का और पहले दिन आज जो प्रत्याशियों को आना था वो नहीं आए हैं। हालांकि कई जो पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए, भाजपा को छोड़कर कांग्रेस अभी कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि क्योंकि निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर यह कहा है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह का हवाला नहीं किया जाएगा, भीड़भाड़ नहीं लाई जाएगी, प्रस्तावक के तौर पर सिर्फ दो लोग ही अंदर जाएंगे, उसी लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ख्याल रखा गया है और साथ साथ ही नामांकन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है ताकि प्रत्याशियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन नामांकन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। देहरादून से अपने सहयोगी इंजीत के साथ पंकज राणा, एबीपी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आज कांग्रेस उत्तराखंड के प्रत्याशियों के नाम जारी कर सकते हैं। कुछ प्रत्याशियों के नामों के साथ पहली लिस्ट सामने आ सकती है। एक सप्ताह से कांग्रेस आलाकमान प्रत्याशियों के नामों पर लगातार मंथन कर रहे हैं। दिग्गज नेताओं की गुटबाजी में कांग्रेस की लिस्ट अभी फंसी हुई है। ऐसे में यह भी एक बड़ी चुनौती होगा कि लिस्ट में नाम किस किस का दिया जाए। पहली सूची आज आ सकती है, देखने वाली बात यह होगी किस किस का नाम इसमें शामिल होगा। भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, कब तक उम्मीद है कांग्रेस की पहली सूची आने की? देखिए, अगर बात करें तो अभी भी कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 15 जीआरजी रोड पे चल रही है, जिसमें और अन्य प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। आज शाम को 4 बजे एक बार फिर से सीईसी की बैठक होगी और आज देर रात कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल इसी कोशिश में है कि आज लिस्ट में तमाम तरह जो नाम है उनसे अंतिम मुहर लग सके और उसके बाद आज देर शाम तक नामों की घोषणा की जा सके। तो अभी भी कांग्रेस पार्टी की जो जीआरजी में वार रूम है वहां पे स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर यह बैठक जारी है और तमाम सारे अन्य नामों पर भी सहमति बनाने की कोशिश जारी है। शाम को सीसी की बैठक कराई जाएगी जिसमें अंतिम मुहर लगा के तमाम सारे प्रत्याशियों की जो घोषणा है देर शाम की जा सकती है। बिल्कुल अविनाश, देखने वाली बात होगी कि किन किन प्रत्याशियों के नाम अब शामिल होते हैं सूची में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं टिहरी में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टिहरी जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों का नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इसके साथ ही प्रत्याशियों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। को अवगत करा दिया गया कि एक नामांकन के समय एक उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम 2 लोगों को लेकर आ सकता है। इसका मतलब यह है कि कुल 3 लोग ही नामांकन के दौरान उपस्थित रह सकते हैं। एक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी उम्मीदवारों के लिए मतदाता ऐप भी बनाया गया है, वो चाहे तो इस ऐप के माध्यम से अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली उन्हें फॉर्म जमा करने के लिए आना पड़ेगा। भाजपा की चक्राता सीट रामशरण नौटियाल को इस सीट से टिकट दिया गया है। रामशरण नौटियाल बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता हैं। रामशरण नौटियाल से बात की हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने, सुनिए। भाजपा ने चक्राता विधानसभा सीट से इस बार रामशरण नौटियाल जी को अपना चुनावी प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ में है रामशरण नौटियाल जी, उनसे बात करेंगे। सर, इस बार भाजपा ने आप पर दांव लगाया है और चुनावी मैदान पर आपको चक्राता से उतारा है, क्या कहेंगे सर आपकी तैयारी? भाजपा ने मुझ पर दाव नहीं लगाया है, भाजपा ने मुझे एक सम्मान दिया है और मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ तो मैदान चक्राता में साफ है, लड़ाई कांग्रेस पार्टी और जनता की लड़ाई है, जनता से लड़ना पड़ेगा। इस बार जनता 65 साल का हिसाब मांगेगी, 65 ईयर्स, एक पार्टी एक परिवार, और उसके बाद
परिवारवाद का एक पूरा जमावड़ा चल रहा है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। अच्छा सर, हमने कोविड काल में देखा आप काफ़ी एक्टिव रहे, वहाँ लोगों की सेवा आपने की, वो भी एक कारण है लोगों का जुड़ाव आपसे है। देखिए, कोविड काल में जो हमने किया, हमने मातृभूमि के लिए किया, ज़रूरतमंदों के लिए किया, और वो इतनी ही बात है बस। लेकिन जब ये कोविड काल की सामग्री लेके मैं 350-400 गाँव में गया, तो वो जो मैंने वहाँ नज़ारा देखा, भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच देखा, वैसा कहीं हिंदुस्तान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। चक्राता विधानसभा क्षेत्र के ऐसे जो ये इलाके हैं, काफ़ी वहाँ पर स्वास्थ्य की सबसे बड़ी बदहाल स्थिति है। तमाम जो इमरजेंसी सेवा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, वो बिल्कुल खस्ता हाल है। वो सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी रहेगी? इसके लिए आपको त्यूनी जाना चाहिए। त्यूनी में के नज़दीक में अटाल में 30 बेड का अस्पताल बनवाया है हमारे वहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं। अभी 6 साल से वो अस्पताल बना है, उसमें भांग जम रही है और ताले लगे हैं, अंदर कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं है। गांव वालों से पूछा, वो कहते हैं कि अभी तक कोई यहाँ पर ये ताला खोलने तक नहीं आया है। हमने बोला तो ये अस्पताल, हमने पूछा लोगों से क्यों बना है, कि उनके एक चमचे है, उनको ठेका देने के लिए अस्पताल बना दिया और उसके बाद कुछ नहीं। तो माताएँ हमारी जो बहनें हैं, कई बहनों की डिलीवरी आपने आप ही के न्यूज़ में आता है, हमें भी तो पुलों पर, नदी के पुलों के ऊपर डिलीवरी हुई, यूटिलिटी में डिलीवरी हुई है, कई जगह। कल ये ना कहें कि एक उदाहरण दे देता हूँ, नाडा में एक जवान लड़की रास्ते में लाखामंडल लाते लाते मर गई। कांग्रेस को मैंने बताया, वहाँ प्रतिद्वंदी मेरे नहीं, प्रतिद्वंदी जनता के हैं, जनता से लड़िए, 65 साल का हिसाब दीजिए, जनता भी मांगेगी, मैं भी मांगूंगा, प्रतिनिधि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ सिर्फ कांग्रेस पार्टी से 65 साल का, कांग्रेस पार्टी के पास 60-65 साल से वहाँ विधायक कांग्रेस पार्टी का रहा है, वो हिसाब लेकर के जाएं। और हम डिबेट करेंगे, हम डिबेट पे बुलाएंगे चक्राता में। आपके बेटे बॉलीवुड के मशहूर सिंगर भी हैं, लगातार आपके टिकट को लेकर आपके साथ में वो अब क्षेत्र में काम करते दिखाई दिए, उनका किस तरह से आप सहयोग देखते हैं? देखिए, जुबिन अभी तो सभी का लाडला है, लेकिन हम उसके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ मदद करेगा, जो कुछ बन पड़ेगा, उसका जितना फैन फॉलोइंग है, और वो बात करेगा अपने फॉलोअर से। चुनाव मैदान में है, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है भाजपा? ये सीट इस बार छीननी है, ये सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, जनता वहाँ की देगी। मैंने कहा ना, जनता लड़ करके, जनता कांग्रेस पार्टी से लड़ेगी और जनता जो है कांग्रेस पार्टी से छीन करके ये सीट जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये इनको सीट जो है जनता ले करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। सर, चक्राता से प्रत्याशी रामशरण नोटियाल जी हमारे साथ थे, और जो बता रहे हैं कि लंबे समय से चक्राता विधानसभा सीट काफ़ी समय से कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में होने जा रहा है, और कांग्रेस से छीन कर यह सीट अब इस बार भाजपा के पाले में आने वाली है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा। उत्तराखंड की सियासत की सबसे बड़ी खबर, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की भाजपा में वापसी हो सकती है। पार्टी आलाकमान के वरिष्ठ नेताओं के साथ हरक सिंह की बातचीत हुई है, केदारनाथ सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरक सिंह रावत भाजपा में शामिल हो सकते हैं, भाजपा में उनकी वापसी हो सकती है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ हरक की बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। अब मुलाकात में क्या कुछ हुआ है ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी यही है, हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। द्वाराहाट सीट से विधायक महेश नेगी का टिकट इस बार कट गया है, उनकी जगह अनिल साही को टिकट दिया गया है। महेश नेगी से बात की हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। उत्तराखंड में भाजपा ने 59 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और 10 विधायकों के टिकट काटे हैं। द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी का भी टिकट काटा है, हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। विधायक जी, क्या वजह रही आपका टिकट, सिटिंग MLA थे, आपका टिकट काट दिया? मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि वैसे तो पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है सिरोधारी है, लेकिन
मैं क्षेत्र के अंदर में गांव-गांव गधेरे गधेरे गरीबों के घर घूमते रह गया और कुछ लोगों ने जो है मेरे पीछे बैग वाइटिंग करने का काम किया। वो तो लगातार जो है जो क्षेत्र में नहीं बने हुए थे वो लोग जो है कहीं ना कहीं इधर देहरादून और दिल्ली में लोगों को समझाने में कामयाब हुए, यही मेरा मुख्य कारण रहा। क्या आपके खिलाफ क्या पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे थे पहले से ही या आप दूसरी वजह ही मांगते हैं कोई टिकट? नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट थे और पूर्ण तरीके से पार्टी का जो सर्वे आप देख लीजिए पूरा मेरे पक्ष में था, क्योंकि मैंने 5 साल लगातार काम करके विधानसभा द्वाराहाट को विकास कार्यों में पहले नंबर पर रखने का काम किया है। और क्या कहते हैं, जो कोरोना काल चला लगातार, उस कोरोना काल में केवल एक महेश नेगी ही ऐसा विधायक था जो लगातार अपने क्षेत्र में गरीबों के हित के काम कर रहा था। 30,000 राशन किट मैंने बांटने का काम किया और उसके साथ 60,000 मास्क बांटे। कटा है टिकट कटने की सबसे बड़ी वजह क्यों मानते हैं आप? एक जो महिला प्रकरण हुआ था, क्या वो भी एक वजह है टिकट कटने की आपके साथ जो एक मामला हुआ था? वो चीज़ न्यायालय में थी और न्यायालय ने मेरे को क्लीन चिट उसमें दे दी थी। इस तरीके से इस प्रदेश में बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर ऐसे आरोप थे और उनको न्यायालय ने जब क्लीन चिट दे दी तो उन्हें टिकट मिले हैं। सिटिंग MLA हैं आप, और अब आपकी क्या रणनीति, आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, चुनाव मैदान में उतरेंगे निर्दलीय किसी दूसरे दल के? नहीं, मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। पार्टी ने जो भी निर्णय दिया है वो मेरे को सिरोधार्य है और मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ काम करूँगा। आप तो महेश नेगी जी द्वाराहाट से विधायक सिटिंग MLA थे भाजपा के, भाजपा ने फिलहाल इनका टिकट काट दिया है, लेकिन उनका ये कहना है कि वो अभी फिलहाल चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे और जो भी प्रत्याशी बनाए गए हैं उनके साथ आगे काम करेंगे। ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन उनके मन में थोड़ी टीस है, थोड़ा अफसोस है मन में कि उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। देहरादून से प्रतियोगी अंजित के साथ पंकज राणा। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सुभाष चंद्र की ग्रेनाइट की बनी प्रतिमा को यहां पर लगाया जाएगा। क्या ट्वीट किया है वो ट्वीट भी आपको बता देते हैं। लिखते हैं, ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी एक विशालकाय मूर्ति इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। ये उनके प्रति पूरे देश की एकता का प्रतीक होगा। ये ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो इंडिया गेट पर ग्रेनाइट से बनकर तैयार हुई सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को अब लगाया जाएगा, जिसके बारे में ट्वीट करके खुद प्रधानमंत्री ने जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार का टिकट फाइनल होते ही उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू कर दी है। इस बार भाजपा ने पौड़ी विधानसभा से सिटिंग विधायक मुकेश कोहली का टिकट काट दिया है, उनकी जगह राजकुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। जो मैंने तीन चुनाव विधानसभा के हुए हैं, मैं हर समय दावेदार रहा और हर समय मैं पब्लिक के बीच में जाता रहा, जनता के बीच में जाता रहा, और यही कारण है कि आज जनता जो मुझे अपना समर्थन और अपना प्यार इसने दे रही है, तो यही कारण है कि मैं हमेशा जो है जनता के बीच में रहता हूँ। और एक गरीब परिवार से आता हूँ तो मेरी भावनाएँ भी गरीब हैं और मेरा दिल भी जो है गरीब है, तो मैं उसी उनकी पीड़ा को समझता हूँ। हमारी पार्टी ने कहा है, एक नारा दिया है कि युवा मुख्यमंत्री और 60 पार। उस 60 पार सीटों को लाने के लिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से पार्टी को जो लगा, पार्टी को लगता है कि इस टाइम पर हमारा जो ये वाला कार्यकर्ता अच्छा काम कर सकता है, ये वाला कार्यकर्ता हमारा सीट निकाल सकता है, तो पार्टी ने उनको भी दिया है। वो भी हमारे पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। और क्या है कि इस बार ये कहा गया है कि टिकट कटे नहीं है, परिवर्तन हुआ है, तो निश्चित तौर पर पार्टी में काफ़ी कार्यकर्ता हैं, पार्टी को लगा कि इस बार जो जिनको टिकट दिया गया है वो पार्टी के जो नारा है 60 पार उसको ठीक कर सकते हैं, उसमें आ सकते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं झबरेड़ा से विधायक देशराज ने JP नड्डा को पत्र भेजा है। देशराज ने टिकट के लिए अपनी दावेदारी भी जताई है। दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं झबरेड़ा सीट पर, अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। देशराज ने पत्र लिखकर कहा है उन्हें या उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में भाजपा और कांग्रेस की विदाई के लिए डिजिटल काउंटडाउन लगाया है।
डिजिटल क्लॉक के जरिए आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस पर प्रहार करती हुई नजर आ रही है। 20-21 सालों से उत्तराखंड की बर्बादी के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विदाई का समय नजदीक आ गया है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और इस काउंटडाउन के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने स्टेट ऑफिस में एक डिजिटल क्लॉक लगाई है, जिसका प्रत्येक टिक टिक ये बता रहा है कि पिछले 20-21 सालों की इनकी अवसरवादी राजनीति का अंत होने वाला है। और प्रत्येक टिक टिक हमारे हौसले को, हमारे साहस को बढ़ा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,818 मामले सामने आए, वहीं 4 मरीजों की 24 घंटे में जान जा चुकी है। 3,422 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। अब राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 24,255 हो गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देहरादून से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, आंकड़ा करीब 1,601 है। वहीं टिहरी जिले में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की भी टेंशन बढ़ गई है। जिला अस्पताल बोराडी में हेल्थ टीम के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से वैक्सीनेशन का काम बंद कर दिया गया। वैक्सीनेशन सेंटर में एएनएम और डेटा एंट्री ऑपरेटर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं खटीमा में कोरोना की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। इस्लाम नगर का रहने वाले शख्स का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था, इसी दौरान उसकी जान चली गई। तो कोरोना की वजह से लोगों की जान जा रही है। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था और उसी वक्त ही जान चली गई। और अब बात मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से बदलने जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। तो वहीं 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मैदानी जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। क्षेत्रों में कदोका स्थानों पर जो है बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। उसके बाद 22 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो 22 तारीख है उसमें उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर और कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। यही सिलसिला 23 को भी जारी रहेगा और 23 तारीख को भी उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। साथ ही 22 और 23 तारीख को उत्तराखंड के 2000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना। एक तरफ नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है तो दूसरी तरफ उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी इस नामांकन में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। कल से ही बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिस वजह से नामांकन प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। तस्वीरें भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्यटक जरूर पहुंचते हैं इस मौसम में, लेकिन बर्फबारी होने के बाद जो वहां रहने वाले लोग हैं उनको जरूर परेशानी उठानी पड़ती है। तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से पूरा बद्रीनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है।